हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू GoHash.in। कई दिन से ये मामला चल रहा था कि सीएम इब्राहिम अब कांग्रेस तो छोड़ दिए हैं, अब वो कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे। काफ़ी सारे मेजर इंडिकेशंस थे कि वो JDS पार्टी ज्वाइन करेंगे। हाल ही में उन्होंने अपना MLC का रेजिग्नेशन भी हैंडओवर किया। उसके बाद वो नजर आए HD कुमार स्वामी के साथ और उन्होंने खुले तौर पर अनाउंस कर दिया है कि अब वो JDS पार्टी को ज्वाइन करेंगे। उन्होंने कहा कि कुमार स्वामी जैसे सेक्युलर लीडर कोई नहीं है। बीजेपी के नए नए जो बातें चल रही है जहां पर हलाल कट रहे हैं या फिर हिजाब, इस पर स्ट्रांगली अगर कोई बोल रहा है तो वो HD कुमार स्वामी है। उन्होंने कहा कि मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस सेक्युलर पार्टी को ज्वाइन करें और मजबूत करें। आए थे इस मौके पर CM इब्राहिम साहब का क्या कहना। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, यूनाइटेड हॉस्पिटल, KBN यूनिवर्सिटी, सूरत खजाना, शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, चुलबू फर्नीचर, SR कॉन्टिनेंटल होटल एंड बाय ऑर्बिस इंटरनेशनल स्कूल। मैं काउंसिल को रिजाइन किया, कांग्रेस से रिजाइन किया। अब रिजाइन करने के बाद दूसरी जगह एक जाना था। अब पूरे पार्टियों का मायदा करने के बाद अब बची कुछ थी तो सिर्फ एक ही कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद दूसरी पार्टी जो है जनता दल है। कांग्रेस पार्टी BJP की बी टीम बन के काम कर रही है। गडकरी साहब तक बोल दिया है कांग्रेस को जिंदा रहना है, कांग्रेस को मजबूत करना है। जब BJP वाले कांग्रेस रहना बोले तो इसका मतलब क्या है? बी टीम कौन बोल के आवाम को मालूम होती है। और कुमार स्वामी जो है क्लियर कट कल और आज दो दिन जो है जो BJP वाले हलाल कट हिजाब के बारे में, हलाल कट के बारे में और मुसलमान को तो मंदिरों के पास तिजारत के बारे में जो जो बयान आज कुमार स्वामी के आ रहे हैं, शायद कोई सेक्युलर लीडर आज तक ऐसा बयान दिया नहीं। तो मैं चाहता हूँ मेरी कौम को मजबूत करूँ, कौम को जो है इस कौम के साथ दूसरे कौमों को जमाना मेरा काम है। तो मजबूत कौम जो है आज ओखलिया कौम है पुराने मैसूर के अंदर, उस तरफ लिंगायत है। तो आज जो है मैं कामयाब हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उलमाए कराम की भी मीटिंग भी बड़ी अच्छी हुई कुमार स्वामी के साथ। उलमाए कराम की मीटिंग की बरकत से और मज़लूम कौम की दुआओं की बरकत से अल्लाह ताला इनकी आवाज़ को सुना है। तो आज जो है जनता दल में शमूलियत इख्तियार करने का ऐलान खुद वही आके घर पे आके कहे हैं और बोले हैं कि भाई इब्राहिम साहब की लीडरशिप में जो है आगे हम लोग पार्टी लेके चलेंगे बोल के। अब मैं कौम से ही है, मेहनत मैं करता हूँ, दुआ आप कीजिए। Predicted about future politics in 2023 in Karnataka, particularly about our Dallas leader. I am not considering as minority. I don't want to restrict him as a minority leader. He is the leader in Karnataka politics for all communities. According to my what Ibrahim ji from last 4-5 months what he announced in the public that he will leave Congress, because Congress party properly not utilized him. Even his contribution to Congress previous elections they neglected him. Several section they have analyzed that Ibrahim for which party will go, whether he will join Congress, whether he is continuing leave Congress or continuing Congress or he will join BJP. All the JDS, all those things are discussed today. For ultimately Ibrahim sir tender his resignation by handing over to our legislature chairman. He announced that his home, what is his real home, house. So for that house actually now he entered again. Sir, the day before yesterday, MB Patil was announced as a campaign committee chairman. In that program, most of the minority Talas leader MLAs were absent, and most of the DK Shikuma personally announced he is going to win 156. What would be his strategy leading the minorities in Karnataka? Even future 2023 election, what the result of 5 states? Those 5 states, how the voters rejected Congress. Same way
in Karnataka politics, 2023 election, outrightly people will going to reject Congress here. And from several, not only Congress, even BJP, because several issues which we requested both the parties, national parties, to solve those problems, particularly about river issues, everything they neglected Karnataka. I think both the parties, they think that Karnataka is not an Indian totally they rejected the Karnataka people. That's why people are now realizing that these two parties are villain to the Karnataka people. Sir, they already sensed that. Okay. Sir, in 1994 when Janata Dal was supposed to cover, in 1996 your father became the Prime Minister. That time CM Ibrahim was called a Friday Prime Minister. Now he is back into the party. Do you believe he will bring back the same charisma in winning the state? It is the actually God grace. Again, you know, what we celebrating Yugadi in another 2 days. Even our Muslim community, Ramzan beginning. This holy day, during the time of this time, our family big brother, I consider him as family big brother. He has served Devagunda family with honest, even in previous days, in 1994-95. His relationship with Devagunda is a long-term relationship. But in some political small issues, some difference was took place. But now again, good days started for Kannada, Karnataka and JDS. I think what we have achieved under his leadership. Who is maybe going to become the Chief Minister? Whose name has announced? That is the leadership. This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Surat Khazana, Shine Group of Institutions, Chulbu Furniture, SR Continental Hotel, and by Orbis International School.